अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हॉट पॉट फूड्स यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्ती, बहुत ही मज़े की, बिल्कुल बाजार जैसा रशियन सैलड की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक दरमियाने साइज़ के हमने बंद गोभी ली थी और इसको हमने बारीक बारीक साइज तरीके से हमने काट लिया है। चार दरमियाने साइज़ के हमने सेब लिए थे, ग्रीन एप्पल्स, आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसको भी हमने इस तरीके से हमने इसको काट लिया है। एक टिन हमारे पास पाइनएप्पल है, तो तकरीबन एक कप हमारे पास पाइनएप्पल है। यहाँ पर हमारे पास एक गिलास पाइनएप्पल का जो जूस था टिन वाला, वो हमने एक गिलास ले लिया। वन कप हमारे पास बॉयल्ड स्पेगेटीज हैं और हाफ कप हमारे पास पास्ता है। आप कोई भी एक चीज़ इनमें से यूज़ कर सकते हैं। वैरायटी के तौर पर मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। 1/4 कप हमारे पास शुगर है और 1 टीस्पून सॉल्ट है। एक पैकेट हम टेट्रा पैक क्रीम ले रहे हैं और हाफ कप हम मेयोनीज डालेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर नई मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस ज़बरदस्त ही रशियन सैलड की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और वो सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे ये बंद गोभी। इसके बाद हम डाल देंगे एप्पल्स और यहां पर हम डाल देंगे पाइनएप्पल। तो यहां पर हम डाल देंगे पास्ता। अगर सर्दियों का सीजन हो तो आप कैरेट भी डाल सकते हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप गाजर डाल सकते हैं रेड कलर की, अगर आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप चाहें तो आप पाइनएप्पल की जगह कॉकटेल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्पेगेटी और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी क्रीम, फ्रेश क्रीम, आप किसी भी ब्रांड की यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसमें ऐड कर दूंगी हाफ कप मेयोनीज। वन फोर्थ कप शुगर ऐड कर देंगे। पाइनएप्पल का जो जूस हमने निकाला था वो हमने हाफ गिलास इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से सारा मिक्स कर लेंगे। अभी इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। लीजिए, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस सा हमारा रशियन सैलड बन के रेडी है। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा और कितना क्रीमी सा ये बना है। बहुत ही मज़े का रशियन सैलड बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।